नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ ईजिली में आज के वीडियो से हम रिंग थ्योरी का फोर्थ सेक्शन जो है जिसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड वो डिस्कस करने जा रहे हैं इससे पहले रिंग थ्योरी पर बेस्ड तीन सेक्शंस ऑलरेडी डिस्कस करे जा चुके हैं जिनको आप प्ले में जाकर चैनल को विजिट करके आराम से देख सकते हैं और आज के वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका फोर्थ सेक्शन एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड का क्या मतलब होता है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जरूरी ये है कि आपको ये पता हो कि फील्ड का मतलब क्या होता है फील्ड को बहुत डिटेल में अब तक के वीडियोस में एक्सप्लेन किया जा चुका है इनके सभी तीनों सेक्शंस के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी एक्सटेंशन हम किसे कहते हैं सपोज हमारे पास में एफ जो है वो एक फील्ड है और हमारे पास में एक और फील्ड एग्जिस्ट कर रही है के जो कि एफ को कंटेन करती है और हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि हमारे पास में एफ जो है वो सब फील्ड है के की विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशंस ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि के जो है इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ एफ हमारे पास में अगर कोई भी फील्ड है एफ जिसको कोई और फील्ड एफ कंटेन कर रही है तो हम कहते हैं कि वो जो फील्ड है जो हमारे पास में सुपर फील्ड है वो हमारे पास में एफ़ की एक्सटेंशन हो जाती है और हम इनको अगर शब्दों में कहना चाहें तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं लेट एफ बी अ फील्ड अ फील्ड के अफील्ड के इज सेट टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ एफ एफ के कंटेंस एफ और के इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ 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 इज अब फील्ड ऑफ के अगर हमारे पास में के को हम कह रहे हैं कि वो एफ की एक्सटेंशन है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एफ है ना ये के की सब फील्ड होगी ये हमारे पास में एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड की डेफिनेशन है अब हम एक और चीज यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास में के जो है वो एफ की एक्सटेंशन है तब एक और क्या कंडीशन होती है इफ के इज एन एक्सटेंशन Of F, then under the same binary operations, then under the same binary operations, F is a field. हमारे पास में अगर K जो है वो F की एक्सटेंशन हो जाती है इसका मतलब कि दोनों के जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं वो सेम है और F जो है अगर हमारे पास में K विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन एक फील्ड बन रही है तो F जो है विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशंस एक फील्ड बनेगी इसका जो बाइनरी ऑपरेशन रहेगा F का वो K वाला ही होगा और यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा के इज अ वैक्टर स्पेस ओवर एफ अब वैक्टर स्पेस की शॉर्ट फॉर्म को हम वी एस लिखते हैं वैक्टर स्पेस को बहुत ज्यादा डिटेल में इसके सभी जो सेक्शन हैं उन्हें एक्सप्लेन किया जा चुका है आप चैनल में जाके उसके हर एक डिटेल को देख सकते हैं मैंने कोशिश करी है ऑलमोस्ट टू हंड्रेड वीडियोज़ जो हैं वो वैक्टर स्पेस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं तो मैं एग्ज्यूम करके चलती हूँ कि आपको वैक्टर स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर है क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड के केस में मैं रिंग थ्योरी और वैक्टर स्पेस मैंने अब तक जो भी पढ़ाया है उसका कोई भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ अब हमारे पास में अगर के जो है वो वैक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ बन जाता है इसका मतलब क्या हुआ देखिए एक तो एफ जो है वो के के अंदर कंटेन कर रहा है उसी के साथ साथ के विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज आन ए बिलियन ग्रुप ये हमारे पास में वेक्टर स्पेस का फर्स्ट पॉइंट होता है सेकेंड क्या कंडीशन होती है फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड ए बिलोंग्स टू के अल्फा ए बिलोंग्स टू के एंड इनके जो कुछ और कंडीशंस होती हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूं एंड फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड्स वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं देखिए फर्स्ट है। तो होती है हमारे पास में अल्फा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस अल्फा बी

is equal to alpha into beta a, for all alpha beta belongs to F and for all a belongs to K. Fourth condition hoti hai 1 dot a is equal to a, where 1 belongs to F, a belongs to K. ये कुछ भी इनमें से नया नहीं है, ये सारी की सारी हमारे पास में vector space over a field F की properties हैं ऐसे केस में हम यहाँ पर क्या कहते हैं के इज अ वैक्टर स्पेस ओवर एफ अब यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे थे एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड की वहाँ से हम पहुँच चुके हैं वैक्टर स्पेस पर अब अगर वैक्टर स्पेस पिक्चर में आया है तो आप मान के चलिए कि जो कुछ भी हमने वैक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा था जैसे कि लीनियरली डिपेंडेंट लीनियरली इनडिपेंडेंट लीनियर कॉम्बिनेशन डायमेंशन बेसिस एटसेट्रा एटसेट्रा जो कुछ भी हमने वैक्टर स्पेस में अब तक पढ़ा है वो सब चीजों को हम पिक्चर में लेके आ चुके आ सकते हैं और उन सभी का इस्तेमाल करेंगे हम आने वाले चीजों को प्रॉपर्टीज को रॉलरीज थियोरम्स रिजल्ट क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए या, वहां पर हम वैक्टर स्पेस को वी से डिनोट करा करते थे वैक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F, यहाँ पर हमारे पास में क्या है F जो है उसकी एक्सटेंशन है K, यानी F जो है वो K के अंदर कंटेन कर रहा है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं K इज़ अ वैक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F, ये हमारे पास में है वैक्टर स्पेस जो कि अपने आप में भी एक फील्ड है ये एक फील्ड है और ये जो एफ है ये एक फील्ड है और दोनों का जो बाइनरी ऑपरेशन हैं वो दोनों के सेम हैं तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड का आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड ये चीज हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोज देखने के लिए लर्न मैथ Easily चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें वीडियोस इस बार ज़्यादा रेगुलर नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ़ सम हेल्थ इश्यूज़ कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो पाएं। एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड कंप्लीट हो जाने के बाद में जिसके साथ साथ हमारा रिंग थ्योरी का जो कंप्लीट पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करा जाएगा उसका नाम है बूलियन एल्जेब्रा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो